फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, सेफ रही होगी एंड आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्वीट्स भी खाई होगी। मेरी दिवाली भी अच्छी रही। अगर आप लोगों को कमेंट में पूछना है तो ऑफकोर्स आप लोग मुझे पूछ सकते हो एंड विश भी कर सकते हो। तो थंबनेल से तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज इस ब्लॉग में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। यस, तो आज हम लोग आए सिडाडे दी दमन, विच इज़ अ 5-स्टार प्रॉपर्टी इन दमन। एंड मैंने इस प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, लाइक इट इज़ अ लग्जरियस प्रॉपर्टी, प्रीमियम प्रॉपर्टी एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये बीच साइड प्रॉपर्टी, एकदम यू नो होटल से बाहर निकलोगे बीच आ जाएगा। जैसे अपने को बीच वाले लोगों को जो बीच वगैरह पसंद होता है तो उसके लिए एकदम बेस्ट प्रॉपर्टी है। एंड मेरे को काफ़ी टाइम से आना था, प्लस मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया था, स्पेशली गुजराती फ्रेंड्स लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये प्रॉपर्टी मुझे ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो यस, आज मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं, सारी कुछ डिटेल्स आप लोगों को दूंगी अंदर जाके। और एक्सप्लोर करने के पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। शुरुआत तो करेंगे हम लोग ब्लॉग की, लेकिन उसके पहले मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है कि अगर आप लोग ये ब्लॉग देख रहे हो, आप लोग मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू देखते हो, रेगुलर देखते हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए बहुत सिली होगा बट मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर काउंट करता है एंड आई होप मतलब इन रिटर्न मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेकर आऊँ। आप लोग कमेंट में मुझे ये भी बता सकते हो कि कुछ फीडबैक है तो ऑफकोर्स आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। प्लस अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ स्पेसिफिक नियर मुंबई या फिर मुंबई में मैं कवर करूँ तो आप लोग मुझे वो भी सजेस्ट करना। ऑफकोर्स कितने बार मुझे भी डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं क्या जाके कवर करूँ, मेरे व्यूअर्स को क्या देखना पसंद होगा, तो अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे तो 99.99% आई विल ट्राई टू कवर दैट आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं एंड इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। तो विकी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट कर रहा है, जब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर्टी के ग्लिम्सेस दे देती हूँ यहाँ पर, बिकॉज हम लोग फेस्टिव सीजन के आसपास आए तो यहाँ पर रंगोली है, बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आज भी बहुत अच्छी लग रही है। एंड जैसे आप यहाँ पर आओगे, दिस इज़ द वेलकम ड्रिंक, हेल्प योर सेल्फ एंड दिस इज़ देयर वेटिंग एरिया। आराम से आप बैठ के यहाँ पर वेट कर सकते हो अगर आपके चेक इन के लिए टाइम है तो बैठ सकते हो यहाँ पर। एंड दैट साइड इज़ द पूल एरिया। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी सब कुछ, लेकिन जस्ट आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ। उस साइड में पूल एरिया है, प्लस इस बाजू में द रेस्टोरेंट जहाँ पर आप अपना लंच ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह कर सकोगे। पूल में सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मैं जाऊँगी कि नहीं मुझे नहीं पता बट ठीक है, एकदम वो ऐसे गोवा वाला फील आता है ना, वैसे लग रहा है मुझे, सही लग रहा है। चलिए एक बार कीज़ मिल गई होगी तो रूम में जाते हैं, पहले रूम टूर दे देती हूँ एंड देन उसकी बाद बाकी की सारी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। म्यूजिक बज रहा है मस्त, अच्छा एंजॉय। हमारी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है, हमारा कीज़ है, प्लस आप मेरे पीछे लॉबी देखोगे तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट। हर एक रूम के बाहर जो लाइट है, दिस मेक्स इट मोर एलिगेंट एंड नाइट में ये लॉबी ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी फॉर श्योर। अभी रूम में चलते हैं, आपको फटाफट से अपना रूम टूर देती हूँ। हमारा रूम इज़ 223 विच इज़ अरेबियन स्वीट एंड बहुत ज़्यादा बड़ा है रूम। जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको यू नो यहाँ पर एक वार्डरोब मिलेगा जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो, इम्पोर्टेंट सामान है तो सेफ भी दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर। प्लस यहाँ पर यू हैव योर बाथरूम्स, ये अपने आप ही खुल गया एंड यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लगेज का ऑप्शन है, इफ़ यू वांट टू कीप यू कैन कीप आराम से। उस साइड में लॉन्ड्री बैग्स वगैरह भी, ऑफकोर्स आप कोई भी ऐसे अच्छी प्रॉपर्टीज में आते हो तो ये सब बेसिक आइटम्स हैं, मगर ये नहीं होगा तो लोग बोलेंगे कि अरे यार बेसिक चीज़ें नहीं है करके। फिर जैसे ही आप अंदर आओगे यहाँ पर आपको बड़ा सा सोफ़ा मिलेगा जहाँ पर आप बैठ के ये टीवी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, मतलब लेट के करो सो के करो, फैमिली है तो आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। यहाँ पर वापस टेबल है, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप रख सकते हो। अगेन यहाँ पर भी कुछ सामान है तो आप रख सकते हो, एक्स्ट्रा सेक्शंस वगैरह दिए हुए, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट। एसी दो दो है यहाँ पर, एक तो उस साइड में जैसे आप एंटर करोगे वो साइड में एसी है, बिकॉज द रूम इज क्वाइट बिग एंड जैसे आप यहाँ पर आते हो तो दिस इज अवर बेड एंड यहाँ पर बैठने के लिए और एक सोफा काइंड ऑफ चीज दिया हुआ है, प्लस इधर भी सोफा है, दिस इज टेबल, मिनी फ्रिज, इसमें आपको कुछ पानी वगैरह ठंडा करना है तो आप लोग कर सकते हो। टी कॉफ़ी कटलरी दी हुई है, मेरा थोड़ा सा मैस है प्लीज़ इग्नोर कर सकते हो वो आप लोग। टेबल लैम्प, बाथरूम में जाने के पहले इस रूम में ना दो
आई मीन इस रूम की खासियत है कि यहाँ पर आपको दो दो व्यूज देखने मिलेगा। तो मैं आपको पहला व्यू दिखाती हूँ विच इज द पूल व्यू। अगर आप बेड पर बैठे हो आराम से इस प्रॉपर्टी का पूल व्यू एंजॉय कर सकते हो एंड पूल देख देख के आपको भी पूल में जाने का मन हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यू नो वाइब्रेंट एंड एलिगेंट टाइप्स। मैं तो अभी पूल में जाऊंगी कि नहीं पता नहीं, बट स्टिल अगर गई तो आपको पता चलेगा। एंड पीपल आर एंजॉयिंग योर लाइक एनीथिंग। मतलब कब से मुझे लग रहा है कि दो तीन लोग, तो मैं जब से आई हूँ 2 घंटे से मैं उन लोगों को देख ही रही हूँ, पूल से बाहर ही नहीं आ रहे। तो दिस इज वन व्यू यहाँ पर। एंड बाथरूम दिखाती हूँ आप लोगों को एंड लास्ट में मैं आप लोगों को एक और व्यू दिखाऊंगी। बाथरूम इज ऑल्सो वेरी बिग, बाथटब दिया हुआ है साथ में, बेसिक एमिनिटीज टूथब्रश वगैरह जो भी बाथरूम में चाहिए होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्लीन नीट एंड क्वाइट स्पेशियस। उसके बाद सॉरी रूम के अंदर और एक व्यू है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया दो व्यू है, तो एक व्यू तो मैंने आप लोगों को बता दिया पूल व्यू एंड दिस इज द बीच व्यू। यहाँ पर आप रूम में से भी डायरेक्टली बीच को एंजॉय कर सकते हो या फिर नीचे जाना है तो भी कर सकते हो। एंड शाम को मुझे लगता है कि सनसेट भी यहाँ से आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करने मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर बट जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो फार दिस इज फ्रॉम द रूम एंड रूम इज क्वाइट बिग, आप देख सकते हो एकदम ही बड़ा। और मैं तो काफ़ी एंजॉय करने वाली हूँ यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी। एंड अभी थोड़ी देर में हमारा लंच का टाइम हो जाएगा, लंच में भी क्या क्या ऑप्शंस है क्या नहीं है वो सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। चलिए थोड़ी देर में मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। अभी हम लोग लंच के लिए आ चुके हैं एंड आप यहाँ पर देखोगे काफ़ी प्रीमियम एंड एलिगेंट वाइब्स आपको मिलेगा यहाँ पर लंच करते वक्त। दिस इज़ एन ओपन रेस्टोरेंट, ऑफकोर्स यहाँ पर क्या बोलते हैं व्यू ज़्यादा मैटर करता है। ओपन बीच के सामने बैठकर लंच करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस यहाँ पर आपको बार भी अगर आप लोगों को कुछ ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर करना है तो आप वो कर सकते हो यहाँ पर, एंड काफ़ी ओपन है। प्लस वहाँ पर भी यह जगह बहुत सारे लोग एक साथ ही बैठ कर अपना लंच या फिर डिनर वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर आप देखोगे। एंड दिस इज़ द इंडोर सीटिंग, यहाँ पर आउटडोर सीटिंग है बट अगेन इट इज़ अ शेडेड एरिया। उस बाजू स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल इज़ वेरी ब्यूटिफुल, मतलब काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। मैं जब से आई हूँ कोई ना कोई तो पूल के अंदर है ही। थोड़ा सा आपको नज़दीक जाके दिखाती हूँ मैं, एंड यहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं बैठे, आई मीन देर आर टू मैनी चेयर्स टेबल टू सिट। एक साथ बहुत सारे लोग बैठ कर अपना लंच या फिर डिनर कर सकते हैं। थोड़ा स्विमिंग पूल के नज़दीक चलती हूँ, आई होप आप लोगों को धूप में अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखो दे हैव अ वाइड स्विमिंग पूल, मस्त है एकदम स्विमिंग पूल। एंड उसके सामने यहाँ पर बीच, वहाँ पे बैठ के आप अपना लंच एंजॉय करिए अच्छे से। अभी हम लोग भी करने वाले हैं, मैं आपको फटाफट से इनका मेन्यू वगैरह बता देती हूँ। ये देखो ये इस व्यू के साथ लंच करने में कितना मज़ा आएगा जस्ट सोचो। एंड जब हम लोग सुबह आए थे ना तो वहाँ पर पानी तो आगे तक था ही नहीं, काफ़ी पीछे था पानी, और अभी पानी एकदम नज़दीक आ गया। मैं वहाँ पर भी जाऊँगी थोड़े टाइम के बाद, अभी पहले बहुत ज़ोर से भूख लगी है। एंड एज आई मेंशन कि कहीं पर भी लंच मिस नहीं होना चाहिए, लंच क्या कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, खाने पीने के आइटम्स को ज़रा भी नहीं। मैं आपको फटाफट इनका मेन्यू दिखा लेती हूँ एक बार। दिस इज़ देयर मेन्यू, बीच कैफ़े, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ एन ओपन रेस्टोरेंट तो बीच साइड है तो वैसे नाम है। बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पर, बहुत ही एक्सटेंसिव मेन्यू है। अभी मैं एक साथ पूरा मेन्यू दिखाने लगूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने क्या क्या ऑर्डर किया वो एक बार मेरा लंच आ जाएगा फिर आपको बताती हूँ। वेज एंड नॉन वेज दोनों ही आइटम्स आपको मिल जाएंगे, मॉकटेल्स कॉकटेल्स डिजर्ट स्वीट बाइट्स एपेटाइजर सैलेड वगैरह जो चाहिए एवरीथिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ओरिएंटल क्यूजिन भी, अगर आपको चाइनीज़ वगैरह खाना है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर से ऑर्डर कर सकते हो। एंड यू कैन जस्ट हैव योर ब्लिसफुल लंच विद दिस व्यू। अब एक बार मेरा लंच आ जाता है फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। लंच में क्या क्या हमने ऑर्डर किया, फूड टेस्ट कैसा है, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी।
अभी हम लोगों का लंच आ गया एंड हम लोग ने थोड़ा सा लाइट साइड पर ही रखा है, जैसे ये कॉर्न एंड कैप्सिकम सैलड, दिस इज वेज तूफानी रोटी, दिस इज दाल फ्राई, पनीर चिली, जीरा राइस, दिस इज वाटरमेलन एंड बेजिल ट्विस्टर, ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा है, एंड दिस इज नॉर्मल फ्रेश लाइम वाटर, स्वीट नहीं है ये। मैं अभी ये खाना टेस्ट कर आपको एक एक चीज़ का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं खाना अच्छे से खा लेती हूँ, पेट भर लेती हूँ एंड मैं आपको ओवरऑल रिव्यू दे दूंगी। बाकी खाना देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड विद दिस व्यू, तो खाना अच्छा नहीं भी होगा तो मुझे लगता है कि खाना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये व्यू इज़ द बेस्ट थिंग फॉर टुडे, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं खाना एंजॉय करती हूँ एंड आप लोगों को एक साथ पूरा रिव्यू दे दूँगी। लंच के बाद हम लोग ने प्रॉपर मुझे लगता है 1 आवर का ब्रेक लिया एंड मस्त नींद आती है। हम लोग जब बाहर आते हैं रिसोर्ट में तो ऐसे लगता है आके सो जाए एंड टेस्ट, खाने का जो टेस्ट था वो काफ़ी अच्छा था, पनीर चिली एकदम सॉफ्ट एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी हमने ऑर्डर किया, मॉकटेल्स, स्टार्टर्स, रोटी, सब्जी, दाल, बहुत ही अच्छा था एंड मैंने व्यू तो आप लोगों को बता ही दिया। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो आपको फूड का यू नो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फूड आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है। एंड अभी हम लोग ने सोचा कि ऊपर रूफ टॉप कैफ़े है, प्लस यहाँ पर भी जब आप कैफ़े के लिए जाते हो तो यहाँ पर गेम जोन भी है, यहाँ पर आप स्काई हॉकी खेल सकते हो, फूसबॉल खेल सकते हो, टेबल टेनिस एंड कैरम। तो अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो अच्छे अच्छे गेम्स है, यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ओवर हियर। तो मैंने और विकी ने जो हमारा फेवरेट गेम है ये स्काई हॉकी खेला एंड विकी हार गया उसके अंदर, सॉरी मैं जीत गई। तो चलिए अभी यहाँ से इतना ही एंड अभी मैं आपको रूफ टॉप कैफ़े दिखाऊंगी, यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड रात को डिनर भी हम लोग वहाँ पर करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए वहाँ चलते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग आ चुके रूफ टॉप कैफ़े, आप सिर्फ मैंने वीडियो स्टिल रखा है, ये देख के आपको क्या लग रहा है, बाली या गोवा, मतलब दिस इज सच अ ब्यूटिफुल स्काई में ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर एंड वाइट, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। मैं जस्ट खड़ी हूँ एंड इमेजिन कर रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। मैं अभी एकदम वहाँ पे नज़दीक में जाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी एंड दिस इज़ देयर वेव्स बीच क्लब एंड रेस्ट्रो कैफ़े, ये देखिए। एंड इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 17th या 18th अक्टूबर को ही ये स्टार्ट हुआ है एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल कैफ़े आई कैन से। अगर आप लोग नियर बाय रहते हो या फिर दमन आ रहे हो, यू शुड रियली कम योर एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग, आई मीन लविंग दिस व्यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, ये देखिए। एंड अभी आप सोचो कि यहाँ पर नाइट होगा तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा, चलिए मैं सबसे पहले ना आप लोगों को वहीं पर जाकर दिखाती हूँ। विकी देखो टहल रहा है, यहाँ पर भी सीटिंग एरिया है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो, बट सबसे बेस्ट वो सनसेट वाली जगह लग रही है, एकदम ऐसे लग रहा है गोवा या फिर बाली टाइप्स में जो बीचेस वगैरह पे अपन आ जाते हैं तो कैसा लगता है, ये देखो, इट इज़ लुकिंग सो नाइस। आई एम श्योर कि कैमरे में भी बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, द एंटायर सन का जो राउंड रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं बीच के पास नहीं गई, बीच का पानी वापस पीछे चला गया आफ्टरनून में लंच के टाइम पर, वो यहाँ तक पूरा आ गया था बट अभी नहीं है। एंड यहाँ से भी आप इसका पूरा व्यू देख सकते हो, रात में तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल लगेगा एंड दिस इज़ देयर व्यूइंग डेक, ऐसे बोल सकते हो आप, यहाँ पर आके यू कैन हैव दी ग्लैंस ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, नीचे पूल है और सामने तो एक नंबर का नज़ारा है। म्यूजिक बज रहा है, यहाँ पे से मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा वरना मेरा कॉपीराइट इशू आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये व्यू अच्छा लगा होगा, आई एम इन लव विद दिस। अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगी, एंजॉय करूँगी, चिल करूँगी। अभी सनसेट के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, सनसेट के बाद नहीं एक्चुअली सनसेट के टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड सनसेट एंजॉय करने के बाद हम लोग बीच पर गए थे, थोड़ा वहाँ पर ऐसे ही यू नो वॉक वगैरह किया एंड अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे डिनर के लिए
एंड डिनर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट आप पीछे का एक बार वाइब्स देख लीजिए, इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। कोई भी बाली या फिर यू नो एकदम फॉरेन कंट्रीज में जो बीच साइड रिसोर्ट या फिर बीच साइड कैफे होता है, एकदम आपको वैसे ही वाइब्स मिलेंगे। आई एम लिटरली लविंग इट, मतलब एंड फुल है, मतलब ये कैफे आप देखोगे तो फुल है। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो एक बार कॉल कर देख सकते हो कि इफ़ यू वॉन्ट टू बुक योर टेबल एंड ऑल, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह डाल दूंगी। एंड अभी आते हैं खाने की बात, तो खाने के लिए आप देख सकते हो कि प्रेजेंटेशन इज जस्ट ऑसम। मैं आपको एक एक चीज का रिव्यू वापस नहीं दे रही हूँ। वी हैव ऑर्डर्ड पिज्जा, पास्ता, सैलेड, ये पहाड़ी टिक्का, चीज बॉल एंड फ्राइड राइस एंड दो मॉकटेल्स हम लोगों ने ऑर्डर किया। एंड कॉपीराइट का इशू है, मैंने म्यूजिक उनको रिक्वेस्ट करके बोला कि थोड़े टाइम के लिए कम करने के लिए, सो दैट्स द रीजन मैं अभी यू नो इतना टाइम म्यूजिक को होल्ड नहीं रख सकती हूँ इसकी वजह से। बट द वाइब्स हियर इज रियली रियली ऑसम। आप लोगों को यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए अगर आप लोग नियर बाय रहते हो, या फिर अगर दमन आ रहे हो फॉर योर वेकेशन तो यू शुड विजिट हियर फॉर श्योर। अगर स्टे नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, बट दिस कैफे इज मस्ट विजिट। एंड चलिए अब मैं फूड कम्प्लीट करती हूँ एंड देन आप लोगों को एक बार ओवरऑल रिव्यू देती हूँ, तब तक आप लोग यहाँ के व्यूज एंजॉय करिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं कुछ 8:15, हम लोग फ्रेश हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करने जाना है। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को कल रात का डिनर वगैरह के बारे में बता दूं। ऑल्सो हमने सोचा था कि सुबह में जाके सनसेट एंजॉय करेंगे, क्योंकि सनराइज एंजॉय करेंगे क्योंकि सनसेट हम लोगों को बहुत कम टाइम के लिए मिला। हम लोग ऊपर गए एंड 15-20 मिनट के बाद ही सनसेट हो गया, तो सोचा था सुबह जाएंगे, बट एज यूजल हम लोग लेट उठे एंड डायरेक्टली अब ब्रेकफास्ट के लिए ही जा रहे हैं। कल के डिनर की बात करूँ तो मैंने आप लोगों को क्या क्या आइटम्स थे वो तो बता दिया था, टेस्ट नहीं बता पाई थी क्योंकि बहुत म्यूजिक था एंड हम लोग ने थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट करके म्यूजिक बंद करवाया था। तो डिनर वॉज वेरी मच टेस्टी, डिलिशियस। प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने देखा, एक एक चीज जो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया था सब कुछ ही टेस्टी था। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि डिनर तो ठीक है, अच्छा है, टेस्टी है, गुड लुकिंग भी है ऐसे बोल सकती हूँ, लेकिन जो माहौल था मतलब आजू बाजू, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। एंड मैंने आप लोगों को बताया कि दिवाली पास होकर गई है तो उसके वजह से जो वाइब्स, लाइटिंग्स वगैरह, बहुत ही अच्छा फील अगर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो। स्टे के लिए नहीं भी आ रहे हो तो भी डिनर के लिए इफ़ यू आर कमिंग टू वेव्स कैफे यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। अगर आप लोग बाद में भी आओगे ना तो मुझे वीडियो में थैंक यू लिखकर जरूर बताना कमेंट में। तो मेरा डिनर काफ़ी अच्छा था एंड डिनर के बाद हम लोग ने ऊपर से, जैसे मैंने बताया दिवाली के बाद आए हैं तो ऊपर बीच साइड है ये रेस्टोरेंट होटल सॉरी, तो वहाँ पर बहुत सारे फटाके फूट रहे थे। इवन दो हम लोग नहीं जलाते क्रैकर्स, लेकिन देखने में तो फिर भी अच्छा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल क्रैकर्स देखने मिला, मतलब ऊपर में आसमान में जाके जो फूट जाते, मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया। उसके बाद में हम लोग नीचे आए, नीचे डीजे भी एंजॉय किया हम लोगों ने। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो बीच साइड तो मिलेगा, पूल साइड मिलेगा, प्लस आप लोगों को डीजे भी मिलेगा। यू कैन हैव योर डिनर देन यू कैन एंजॉय योर डीजे ऑल्सो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ की वाइब्स काफ़ी अच्छी है। आई जस्ट रियली लव्ड माई स्टे, अभी तक तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। एंड अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सुबह उठते ही आप देखोगे तो यहाँ पर यू नो यही व्यू आप लोगों को देखने मिलेगा, लेकिन ये पानी का समझ में नहीं आता, आता है हम लोग 15-20 मिनट बाद जैसे देखेंगे अरे यार पानी फिर से चला गया, कल तो बहुत ही बार ऐसे हो गया, बट ठीक है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू अस। आप लोग वहाँ पर वॉक वगैरह, सुबह में वॉक के लिए जाना है, इवनिंग के लिए वॉक में जाना है, तो आप लोग आराम से जा सकते हो। अभी प्राइसिंग वगैरह मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बनाऊंगी। डिनर के ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या आइटम्स है वो भी आपको बताती हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट हम लोग ने ले लिया, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, सैंडविच, इडली, डोसा, लाइव काउंटर है, अगर आपको डोसा वगैरह चाहिए तो ले सकते हो, मिसल पाव है, फ्रूट्स बहुत सारे, टी, कॉफ़ी, मतलब अभी मैं अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ले लिया है, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पर ले सकते हो। एंड बच्चे वगैरह है तो उनके लिए दूध वगैरह है, चाय कॉफ़ी तो ऑलरेडी है ही। टेस्ट की तो अभी मैं क्या ही बात करूँ, हम लोग ने जितने भी मील्स यहाँ पर खाए इट इज़ वेरी टेस्टी। कल दोपहर का लंच, शाम का डिनर या फिर अभी का ब्रेकफास्ट मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, बट आई एम श्योर कि ये भी अच्छा ही होगा। एंड अगेन मतलब ये व्यू तो आप लोग देख ही रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। एंड अभी धूप वगैरह भी नहीं है तो इट्स वेरी चिलिंग, एंड धूप भी छोड़ो, दिस प्लेस इज़ रियली वेरी चिलिंग। अगर आप लोग आ रहे हो तो आराम से चिल कर सकते हो, यू लव दिस काइंड ऑफ व्यू वगैरह तो अच्छा है। एंड बच्चे लोग भी आएंगे तो उनको एन्जॉय करेंगे, एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आके उन लोग पूल में ही एन्जॉय करेंगे। एंड वेव कैफ़े की भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वहाँ पे भी बैठ के आप डिनर वगैरह बहुत अच्छे से एन्जॉय कर सकते हो।
एंड अभी इसके रूम कैटेगरी एंड प्राइसिंग की बात करूँ तो बेस कैटेगरी का जो रूम है विच इज़ ऑल्सो वेरी प्रीमियम एंड एलिगेंट, तो उसका प्राइसिंग अराउंड 7,000 होता है एंड 7,000 इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट ऑल्सो। बाकी लंच एंड डिनर आप लोगों को अलाकार्ट, मतलब उसके अलावा आप जो भी लोगे आप लोगों को अलाकार्ट में से ऑर्डर करना पड़ेगा। देन यू ऑल्सो हैव यहाँ पर प्राइवेट गैलरी वाला टाइप्स रूम है जहाँ पर आपको व्यूज मिल सकते हैं एंड विदाउट गैलरी भी रूम है जहाँ पर आपको व्यू अच्छा देखने के लिए मिलेगा, पूल व्यू या फिर बीच व्यू। उसका प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 9,000 बट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट। एंड जिसमें अभी हम लोग रुके थे दैट इज अरेबियन स्वीट रूम विच इज वेरी 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 ब्यूटिफुल रूम, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, वेरी स्पेशियस रूम एंड व्यू तो दोनों ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया। वहाँ पे बीच व्यू भी मिल रहा है एंड पूल व्यू भी मिल रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो रूम। तो दैट उसका कॉस्ट है कुछ अराउंड 15,000 बट उसके अंदर भी आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। मोस्टली मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, आप लोग यहाँ पर आ रहे हो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिक अबाउट दिस प्रॉपर्टी तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड चलिए अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगर आपने ये ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलना। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट्स चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा, सब्सक्राइब बटन दबाना भूलना मत। चलिए मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में।